राहुल जी आप पूछताछ से क्यों डर रहे हैं? क्यों तारीख पे तारीख मांग रहे हैं? बिना छुट्टी के मैं पागल सा हो जाता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए होती है, इसलिए आपसे छुट्टी मांग रहा था। मैं तसल्ली से घर पे काउच पे बैठ करके अपना देखते हैं प्रोग्राम में। मैं पहले मैं और मम्मी देखते थे, अब मैं ही देखता हूँ। पहले आपने एक दिन की छुट्टी मांगी, वो आपको मिल गई, फिर आपने 3 दिन की मांगी, वो भी आपको दे दिया, फिर आप कह रहे हैं आप सोमवार को नहीं आएंगे। क्या ड्रामा चल रहा है? देखिए ड्रामा नहीं है, पुराने वाले एपिसोड रह गए थे, वो भी देखना था, सब कुछ देखना पड़ता है आदमी को। अगर आपने सोमवार को जवाब नहीं दिया, सीधा सीधा मैं आपको बहुत प्यार से कह रही हूं, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी सोमवार को, अरेस्ट हो जाएंगे आप। सच में? यस मतलब हो जाऊंगा? यस, मम्मी के पास भी नहीं जा आप पाऊंगा? सोमवार को अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसे हथकड़ी वथकड़ी लगा के? यस, सिंघवी का बच्चा। मैं अच्छा बोले, मैं रोज छुट्टियां भी तो मैं इसलिए ले रहा था कि मुझे प्रिपेयर करा रहा था बंदा, वो ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे जवाब देना वैसे जवाब देना, ये करना वो करना, सब बत्ती बन गई। देखिए भैया सिंघवी, अगर मैं गया तो मुझे पता तुम्हारे बारे में, मैं बोल दूंगा। एक यार मम्मी का तबीयत ठीक है, खाम खामे पड़ी हुई है। मम्मी कैसी हैं आपकी? ठीक है। आप तो कह रहे थे उनको कोरोना हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, बहुत बीमार है, तभी आप छुट्टी मांग रहे थे। जाके, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे को झूठ बोलने से क्या फायदा मिलेगा? एक बार बताइए भाई, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि अगर मेरे को जाना है कहीं पे भी, जेल वेल आप जो भी बोल रही हैं, तो मैं और मम्मी इकट्ठे जाएं। मैं मम्मी के बिना आज तक कहीं नहीं गया हूँ। उनसे भी पूछताछ होगी, आप चिंता मत कीजिए, पहले आप तो सवालों का जवाब दीजिए ठीक तरीके से। मैंने आपके एक एक सवाल का सही सही जवाब दिया। आपने बोला कि आपके बैंक के स्टेटमेंट बताओ, आपके बैंकों के नाम बताओ। मैंने बैंकों के नाम बता दिए जो मैंने याद किए थे। आपने बोला कि आपके कितने पैसे, मैंने आपको सारे पैसे बता दिए। गोल मटोल जवाब मत दीजिए, आपको भी पता है, आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं, क्या पता है फिर आपको? अरे ये लोग मुझे घर में पता नहीं किस किस तरीके की गोलियां खिलाते हैं, क्या क्या तरीके की चीज़ें कराते हैं, मुझे क्या पता? मुझे खिलाने के बाद मुझे नींद आने लग जाती है, मैं अजीबोगरीब सवाल करने लग जाता हूँ कि व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग इट वाज नाइट। ऐसे कभी होता है क्या? आप बताइए मुझे, मैं ये चौड़े में बोल रहा हूँ, आप मतलब जब सबके सामने बोलता हूँ ये सब बातें कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा होता है क्या कभी? मैं बता रही हूँ सोमवार को आप अरेस्ट हो जाएंगे, इट्स अ फाइनल। अब क्या करूँगा फिर मैं, जब मैं हो ही जाऊँगा तो एक काम करता हूँ, मैंने डॉक्टर से भी अभी वो करवाया है, मैंने भी अपना टेस्ट करवाया है, तो सोमवार को तो मेरी रिपोर्ट आ जाएगी ना कि मैं भी कोरोना का पेशेंट हूँ, तो मेरे को जेल में नहीं रखेंगे 15 दिन। 15 दिन मैं बच जाऊँगा ना, ये होगा ना, तब तक आप मम्मी से पूछताछ कर लेना और मम्मी को भी इकट्ठे भेज देना अगर भेजना होगा तो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? और ये बाहर आपने क्या ड्रामा कर रखा है? आप सबको बाहर बाहर के मुख्यमंत्री को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? मैंने कहा आ जाओ वरना मैं सबकी पोल खोल के रख दूंगा। आ गए? कुछ तो आ ही नहीं रहे हैं, कुछ को ये भी लग रहा है आप जेल जाएंगे। आप ही के नेता कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे थे। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा भाई, मेरे पीछे जो लोग, मेरे पापा थे, दादी थी, ये इन्होंने सब इकट्ठा जो किया किसके लिए किया? एक लौते बंदे के लिए किया। 5,000 करोड़? इतना है क्या? 5,000 करोड़? आपके पास कोई हिसाब किताब नहीं? हमारा अकाउंटेंट नहीं आ रहा था इस वजह से। छुट्टी पे था क्या? नहीं, वो शाम को ही आता ना, उसके बाद शाम को हम नहीं मिलते थे तो इस वजह से प्रॉब्लम होती थी। ये कोई लॉजिक आंसर हुआ है? लॉजिक तो मेरी मम्मी ने आज तक मुझसे नहीं बताया कि लॉजिकल क्या हम कर रहे हैं। हमने तो एक पीएम भी बिठा दिया था जिसको हमने कुछ बोलने करने का कुछ वो कर रहे नहीं थे, जिसको मैसेज चलाते थे मम्मी और मैं। म्यूट हट गया, चलो रुको, ओगो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। और ये आपके समर्थक क्या कर रहे हैं? मोदी का पुतला फूंक रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सड़क पे लेट जा रहे हैं, रोज अपनी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, चल क्या रहा है बाहर? फटी के ढोल बजा रहे हैं जी, और तो क्या है, और क्या बजेगा? आप देखिए
वैसे आपको सच में लगता है कि मैं मंडे को चला यस जाऊंगा? अरे श्योर? यस, मतलब कोई रास्ता नहीं है? आपने जवाब दिया, आप हमेशा यही कह रहे हैं, आपको नहीं पता। कुछ नहीं पता जी, मैं नहीं जानता जी, एक बात बताइए, आपने फ्रॉड किया है ना, आपने फ्रॉड एक किया है ना। मैं मैं भी सुन ही आपसे नहीं रहा। मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अगर आप मेरी जगह हैं, मैं आपकी जगह हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि पैसे कहाँ हैं, तो आप क्या बोलेंगे? जवाब देंगे। आप ईडी के अधिकारी के सामने बैठे हैं, अगर मैं ईडी अधिकारी हूँ और आप मेरे सामने बैठे तो मैं हैं, हिसाब दूंगी आपको। मैं आपको कह रही हूं, बात मत घुमाइए। सोमवार इज द लास्ट डे फॉर यू, मंडे इज द लास्ट डे फॉर यू मिस्टर राहुल गांधी। अलर्ट मोड पे आ जाइए। ये जेल के अंदर पोगो और जो आप देखते हैं ना, आज आपका फोन कहाँ है? कहाँ गया? रखा तो यहीं पे था, कहाँ घुस गया? हाँ, ये सब भी आपको देना पड़ेगा फोन में। ये जेल के अंदर आप रख लो, ये मैंने इसमें सब निकलवा दिया, मैं छुट्टी के लिए इसलिए गया था। जेल के अंदर फोन नहीं मिलेगा, एसी का हवा नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे खाने की चीजें नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, नो, चॉकलेट दूध वगैरह का भी कुछ नहीं नहीं है। मिलेगा। मेरी ठीक जो है, मेरे खे जाइए मेरे मंडे मेरे को प्रिपेयर होके आइए। मंडे इज द लास्ट डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। अब आप तो बोली, मम्मी तुम भी देख रही हो ना वहां से क्या हो रहा है तुम्हारे लड़के के साथ। अपने हाथ मैंने सब पे रखती थी, हाथ अब हाथ को ना उसको सिंगी को बोल नहीं सकती थी कि मुझे कैसे प्रिपेयर करा रहे हैं। सिंगी अंकल कह रहे थे हम सुबह से। अब क्या हो गया? ना पैसा रख पा रहा, ना हमें बता पा रहा, ना हमारे को कुछ कह पा रहा कि कैसे होगा सोमवार। ये मैडम बोल रही है कि सोमवार को तुम्हारे को जेल हो जाएगी। करो तुम, भुगतूंगा मैं। वेरी गेल रहा, वेरी गेल रहा, मेरे खेल रहा नहीं है, वेरी गेल रहा, मैं आउट हूं इसमें से, मैंने खेल में खेल ही नहीं रहा मैं। ये गल्ला वो गल्ला वो गल्ला है गल्ला चबला में बाहर जा करके सेटल होता नहीं, एक बुला लिया यहाँ पे, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलेंगे, फंस गया ना मैं। कोई बात नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, कोई भी नहीं छोड़ूंगा, सिंपल सिंपल सब लपेट दूंगा मैं, चिंता मत करो। और मम्मी तुम भी, जो तुम इटली के अंदर तुम्हारे जो अपने बैंकों के अंदर तुमने अकाउंट्स के पैसे जमा कराए ना, वो भी बता दूंगा मैडम को। सोमवार का रुको, तुम अकेला नहीं जाऊंगा मैं, तुम भी साथ ही आओगे, कोरोना में लपेटूंगा तुम्हारे को मैं। आज तुम्हें तो काय कर रहा कुछ भी कोरोना वरोना नहीं है तुम्हें पता, मुझे पता है सब, कुछ भी नहीं है। फंसा दिया मेरे को यार, पॉलिटिक्स मुझे तो आती भी नहीं है, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, हिंदी में किसी ने लिखवाई थी पॉलिटिक्स, मैं यूं देख देख करके लिख रहा था, तब भी गलत लिख दी थी। भी मचा ले शक्तिमान, आ जा मेरे पास, ऐसे करते हुए आ जा यार प्लीज मेरे दोस्त, दोस्तों अलविदा कहने का टाइम आ गया है, सोमवार के बाद अब नए टाइमिंग के साथ देखना पड़ेगा। हाहाहाहा